top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. उनके फेवर में नहीं थे, तो इसीलिए हो सकता है कि शायद उन्होंने ऐसा निर्णय लिया हो, बट ये बहरहाल जो भी निर्णय है उनका व्यक्तिगत निर्णय है। प्रदेश कमेटी की एक अहम भूमिका है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो सुझाव हमें प्रदेश कमेटी भेजती है उसी के आधार पर पार्लियामेंट्री बोर्ड में नामों पर चर्चा होती है। तो अगर उसमें अगर ये प्रमुखता से सुझाव आया है कि राजा पाकर से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे तो इसको बोर्ड ने सहमति दी है, वो इस प्रकार है। रफीगंज से श्री प्रमोद सिंह जी, बाराचट्टी से श्रीमती सुधा देवी मांझी जी, लालगंज से श्री राजकुमार शाह जी, राजा पाकर से पशुपति कुमार पारस जी, हिलसा से श्रीमती दीपिका देवी जी, अस्थामा से श्री छोटेलाल यादव जी, मांझी से श्री केशव सिंह जी। मैंने किसी भी भाई को उनको ये कहते हुए नहीं सुना है, और जब तक मैं इस बात को सुनूं नहीं इसमें मेरा टिप्पणी करना होगा। नाम लिया, नाम लिया, का नाम लिया, सीधे सीधे सुनील पांडे का नाम लिया है। टिकट देते हैं तो इस पर आपका क्या मत है? क्या आरके सिंह की जो लाइन है वो बिल्कुल ठीक है कि आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, आपराधिक छवि वाले लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। पर हाँ, जैसा मैंने कहा कि जो भी निर्णय होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा होता है। भारतीय जनता पार्टी का भी एक प्रमुख पार्लियामेंट्री बोर्ड है, मुझे लगता है उसका तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जो भी निर्णय लेते होंगे सोच समझ कर लिए जाते हैं। चिराग जी, लेकिन लगता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऐसे बयान से हमारे गठबंधन को कोई नुकसान होने वाला है। लगातार हर बयान को लेकर ये आशंका जाहिर की जाती है कि इस बयान से हमारे गठबंधन को नुकसान होगा, इस बयान से हमारे गठबंधन को नुकसान होगा। ईमानदारी की बात है, हर बीतते दिन के साथ हमारा गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ता जा रहा है। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो अपनी राय प्रस्तुत करें हमारे गठबंधन में, अगर वो राय अच्छी है तो उसको अपना कर हमारे गठबंधन को मजबूती मिलती है। तो ये भी हम लोगों के गठबंधन को हम लोगों को सोचना चाहिए, और जो भी निर्णय होता है मैं पुनः दोहराता हूँ, ये गठबंधन के हित में लिया जाता है।